आज की वीडियो में आपको सुष्मिता सेन की सिस्टर इन लॉ चारू असोपा की डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ बात बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुष्मिता सेन के भाई राजीव और चारू असोपा के रिलेशनशिप को लेकर काफी सारी चर्चा रहती है और दोनों के रिलेशनशिप के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स बहुत बार सामने आए हैं और बताया यही जा रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राजीव और चारू असोपा कुछ समय पहले ही एक क्यूट सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं और बेटी के जन्म के बाद भी दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आए, बट स्टिल दोनों फिर साथ आ गए और दोनों ने इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। बट अब एक बार फिर से दोनों के डाइवोर्स की न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। चारू असोपा ने अपनी डाइवोर्स की हिंट भी दे दी है। चारू असोपा ने अपने हस्बैंड के साथ अपनी सारी पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम से रिमूव कर दी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके हस्बैंड ने उनकी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और वो उसके बगैर कितने समय तक ऐसे रह सकते हैं। उनका कहना था अगर वो होती तो वो कभी भी अपनी बेटी के बगैर एक मिनट भी ना रह सकती, लेकिन उनके हस्बैंड के पास बिल्कुल भी उनके लिए और उनकी बेटी के लिए टाइम नहीं है। और साथ में उन्होंने अपने साथ और अपनी बेटी के साथ अपने हस्बैंड की जितनी भी पिक्चर्स थी सभी डिलीट कर दी हैं और उनके क्लोज सोर्सेज से ये भी बताया जा रहा है कि दोनों काफ़ी समय से सेपरेट रह रहे हैं और दोनों अब डाइवोर्स के लिए लीगली अप्लाई करने वाले हैं। सुष्मिता सेन से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो सुष्मिता सेन ने इस पर अब तक अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है और उनका कहना है कि ये कपल के बीच का डिसीजन है और वो कपल को टाइम देना चाहती हैं कि वो अपने इस डिसीजन के बारे में सोच लें। और हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमें कपल को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो अपने इस डिसीजन के बारे में अच्छी तरह सोच लें और फिर वो डिसाइड करें कि दोनों के लिए क्या बेहतर है। आप चारू असोपा और राजीव सेन के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे और अगर आप उन्हें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।